वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में प्रोबेबिलिटी में हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले कुछ परमुटेशन के बारे में समझते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके परमुटेशन से रिलेटेड भी आ सकता है. बच्चे, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है आपका जो कि मैं कहूँगा कि सबके ऊपर भारी पड़ता है, और बच्चा यहाँ पे पिक नहीं कर पाता कि क्या मेथड लगाना है, क्या क्वेश्चन करने हैं, कैसे क्वेश्चन करना है. इसलिए प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम बहुत फोकस कर रहा हूँ. प्रोबेबिलिटी को मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ. बाकी अगर आप बात करते हैं मीन, मीडियन मोड, स्क्यूनेस, कर्टिसिस, वो सब आपके लेटेस्ट कंटेंट में रिकॉर्डेड है, लेटेस्ट क्लासेस हैं, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं. पर प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट थी, तो एक दोबारा से लाइव क्लासेस में आकर के मैं इसको और अच्छे से कंटेंट को अपडेट कर रहा हूँ आप में. चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चे. परमुटेशन, सबसे पहले परमुटेशन का मतलब समझते हैं, क्या ये फॉर्मूला वगैरह क्या है, बात की बात है. चलिए, परमुटेशन का मतलब है कि लाइक जैसे कि एक मैट है, इसको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो. इस मैट के तीन लेटर हैं MAT. इस तीन लेटर को आप कितने डिफरेंट वे में आप इसको लिख सकते हो. ऑर्डर भी मैटर करता है. तो एक तो आप इसको लिख सकते हो MAT, मैट है. एक आप लिख देंगे TMA, ये लिख देंगे. एक आप लिख देंगे MT. एक आप लिख देंगे MTA. एक लिख देंगे आप ATM. 1, 2, 3, 4, 5. एक लिख देंगे आप AM या AT. देंगे आप TAM. टोटल 6 टाइप्स के आप लिख सकते हो ना इसको बच्चे, इस मैट को. लेकिन मुझे पता कैसा लगेगा मैं इसको कितने वे में लिख सकता हूँ. तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, NPR. मीन्स N मीन्स कितने हैं, ये आपके पास में 3 है. क्लियर है बच्चे, टोटल कितने वर्ड हैं, 3 हैं. और आपके पास कितने लेटर लेने हैं, इसमें से 3 लेने हैं आपको. टोटल कितने लेटर का वर्ड है, 3 लेटर का. इनमें से कितने लेटर अरेंज करने हैं आपको, 3 लेटर के अरेंज करने हैं. तीनों लेटर सारे अरेंज करने हैं ना, इसलिए इसको, तो इसको लिखेंगे 3 फैक्टोरियल. वैसे NPR होता है N फैक्टोरियल अपॉन में N-R फैक्टोरियल. सिंपल सी बात है. तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3-3. तो यहां पर आपके पास में क्या रहने वाला है, 3 लेटर के वर्ड में से 3 लेटर के आपको वर्ड अरेंज करने हैं. आर कितने अरेंज करने हैं, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3-3 फैक्टोरियल. तो 3 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल. एंड 3 फैक्टोरियल होता है 6, 0 फैक्टोरियल होता है 1. तो 6 वे में ये आपका अरेंज हो सकता है. ये बात समझ में आया आपको, क्लियर है. तो आपको पता लगा परमुटेशन बेसिकली क्या बताता है, उसको कितने मेथड्स हैं आपके पास में, ये तो करने का पता लगा ना. अच्छे पर आप ये फॉर्मेट आओगे, आपको पहले मालूम था कि टोटल इसके 6 वेज हैं इसको लिखने के. क्लियर है बच्चे, ये होता है परमुटेशन. और एग्जांपल लेते हैं, देखिए हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स. लाइक आपके पास में क्या है कि आपके पास में 1, 2 आप अपने लॉक का नंबर भूल गए हो, लेकिन इतना कन्फर्म है 1, 2, 5 में से कोई नंबर है और 3 डिजिट का आपने नंबर लॉक करा था. तो अब सवाल ये है कि भैया कितने वे हो सकते हैं इसमें 3 डिजिट 3 नंबर्स लेने के. तो क्या करोगे आप इसमें, NPR. क्लियर है, एन मीन्स 5 में से आप 3 डिजिट ले रहे हैं. सॉल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल, 5-3 2. तो सॉल्व करेंगे 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 फैक्टोरियल. सॉल्व करेंगे 60 वेज हैं इसमें से. अगर आप 3 डिजिट के नंबर लेते हो तो इसमें आपके पास में 60 आप अलग अलग आप बना सकते हो उसके अंदर. क्लियर है, विदाउट रिप्लेसमेंट. मतलब कि एक बार आपने नंबर ले लिया तो दोबारा उस 3 डिजिट में वो नंबर दोबारा नहीं लेना आपने. समझ में आया बच्चे, लाइक जैसे आपने 2 ले लिया तो दोबारा आप 2 को अरेंज नहीं करना. 2 के बाद 1, 4 ले लो आप. 5 ले लिया तो 5 के बाद साथ में आप 5 दोबारा नहीं आएगा. ठीक है, तो इसको कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, जिसमें कि आप परमुटेशन को यूज़ करके कितने वे हैं आप वो निकालते हो.
हाँ विद रिपीटेशन होता आप यूज कर सकते हो, तो सिंपल सी बात है कि आपने वन लिया, टू, थ्री, फोर, फाइव लिया, वन लिया, साथ में वन भी आ सकता है, तो उसका तो फाइव है, ठीक है बच्चे, फाइव नंबर है आपके पास में, ठीक है ना, थ्री डिजिट के नंबर है, तो फाइव थ्री से आप मल्टीप्लाई कर दो, पांचों में से कोई भी आ सकता है, नेक्स्ट टाइम इन पांचों में से कोई रिपीटेशन हो सकता है, नेक्स्ट टाइम इन पांचों में से कोई आ सकता है, थ्री डिजिट, तो 125 वे हो जाएंगे आपके पास में। लाइक जैसे डाइस है, एक बार थ्रो करा सिक्स वे है, अगेन थ्री करा सिक्स, कोई भी आ सकता है, एक वन टू सिक्स में से सिक्स करा वन टू सिक्स कुछ भी, तो कितने, तीन बार करा 216, क्लियर है। तो इस तरीके से डाइस कॉइंस में करते हैं हम विद रिपीटेशन। चलिए अभी तो आप इस बात को समझ लीजिए, देख वही क्वेश्चन है ना सेम, कि आपको तीन डिजिट के नंबर लेने और रिपीट कर सकते हो, जो नंबर उठाया उसको दोबारा उठा के भर सकते हो, लाइक टू उठाया तो टू यहाँ भी डाल दिया, तो इसमें क्या होगा, इनमें से पांचों में से कोई भी आ सकता है, फिर इन पांचों में से कोई भी आ सकता है, इन पांचों में से कोई भी आ सकता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आया आपका 125 वेज हो गए। लेकिन जो पीछे अभी आपने क्वेश्चन किया, हाँ यही, इसमें तो आपके पास में थ्री है, तो फाइव में से कोई भी आ सकता है, अब वो रिपीट नहीं करेगा तो चार आएगा, तीन आएगा, क्योंकि ये दो नंबर आ गए, दो नंबर अब यहाँ नहीं आएंगे, डिफरेंट नंबर ही आएगा, तो कितना हो गया 60 वेज हो गए, ठीक है बच्चे। अलग अलग वे हैं, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला का क्या रोल है, हाउ मैनी वेज कैन बी रीअरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड। अच्छा एक लेटर ऑफ द वर्ड है, लेटर बता देता हूँ कौन सा है, अब यहां देखो, जैसे मैं एक वर्ड ले रहा हूं एम ए ए, कितने वेज हैं एक्सप्रेस करने के, तो एक तो ये हो गया, एक हो सकता है आपका, अब बोलोगे सर इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं ए और ए, ये तो वही चीज आ गया ना, डिफरेंट वेज बताओ बच्चे, ए एम ए, ठीक है ए ए एम, और बताओ और कोई वे है, नहीं थ्री वेज है, बट इसको आप फॉर्मूले में कैसे करोगे, तो फॉर्मूले में आप कैसे करोगे, कुल टोटल मिला करके आपके पास में कितने लेटर के हैं, आपके पास में ये थ्री लेटर हैं, तो थ्री फैक्टोरियल लिखोगे आप, ठीक है बच्चे, पहले अपॉन कितनी रिपीटेशन हुई है, दो, तो नीचे दो फैक्टोरियल कर दोगे, समझ में आया बच्चे आपको, क्लियर है भाई बात, समझ में आई आपको, एंड अगेन सॉल्व करोगे आप इसको, तो थ्री इंटू टू फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इक्वल्स टू थ्री इंस, ठीक है बच्चे, क्लियर है, समझ में आया आपको, इसको कितने वे हैं आपके पास में अरेंज करने के, हाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई करा था दिस वन, ये एन परमुटेशन लगा रहे हो ना, थ्री वे, ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है सारे जैसे नहीं है, मैथमेटिक्स को कितने वे में आप अरेंज कर सकते हो, तो आपके पास में कितने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, इलेवन फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेशन, क्या क्या आ रहा है आपके पास में, एक तो m का आ गया टू फैक्टोरियल, m कितनी बार आया आपका टू टाइम्स, उसके बाद a वन टू, ए भी आपका आया टू टाइम्स, तो इंटू टू फैक्टोरियल और होगा, उसके बाद आपके पास में क्या आया टी भी आपका आया टू टाइम्स, तो टी टू टाइम्स आया तो इंटू टू फैक्टोरियल और हो गया, और उसके बाद आपके पास में एच नहीं आया, ई नहीं आया, एम ऑलरेडी कंसिडर, ए कंसिडर, टी कंसिडर हो चुका है, आई नहीं आया, सी नहीं आया, एस नहीं आया, दिस वन,
तो सॉल्व करोगे आप इसको 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और अपॉन में क्या आया आपका 8 दिस वन, तो आपके पास में 990 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड 42, तो 990 मल्टीप्लाई बाय 84, तो आप सॉल्व करेंगे इसको 9 इंटू 840, इतने वेज हो गए आपके पास में। क्लियर है बच्चे मैथमेटिक्स को लिखने के?
आवाज नहीं आ रही है, कम से कम हैंड रेस तो करो। आ रही है बच्चे आवाज? देखो क्वेश्चन क्या है बच्चे, रिपीट कर देता हूँ, वॉइस अब ठीक आ रही होगी। देखो कि मिसपी आपके पास में, मिसपी आपके पास में लिखा हुआ है और इस पर कह रहा है चार आई एक साथ नहीं होनी चाहिए। पहले मिसपी को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो ये 11 लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहा है, सो नीचे लिख दो इसको इतने वे में, लाइक आपके पास में एम, आपके पास में आई चार बार रिपीट हो रहा है, एस चार बार हो रहा है, आपके इसमें जो है पी दो बार हो रहा है, तो ये लिख दिया इतनी बार इसको मैं अरेंज कर सकता हूँ। और अगर आई एक साथ आए तो कितनी बार इसको अरेंज कर सकता हूँ, तो एट लेटर तो मेरे आई अगर एक साथ आए तो पूरे 11 लेटर हैं, चार बार आई हैं तो इस पूरे आई को मैं एक यूनिट मान लूँगा, तो मतलब कि मेरा लेटर कितने हो जाएंगे, चार आई एक ये काट दो, एक काट दो, एक काट दो, ये सब एक यूनिट हो गया, तो टोटल कितने हो गए, टोटल आपके पास में हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और एक आपके पास में आई वाला यूनिट हो गया, सो काटा में टोटल 8 फैक्टोरियल हो गया आपके पास में। क्लियर है बच्चे? अगर आई सारे एक साथ चाहते हो तो जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग 8 फैक्टोरियल है। अब 8 फैक्टोरियल में आपके पास में आई तो आपके पास में एक साथ आ रहा है, बाकी कितने हैं आपके पास में, एस आपका चार बार होगा और बाकी रेस्ट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, और आपके पास में पी दो बार होगा, तो ये वो है कि अगर आई एक साथ आए तो कितने बार अरेंज कर सकते हैं, इतनी बार टोटल इतना अरेंजमेंट हो सकता है, आई एक साथ इतनी बार अरेंजमेंट होगा, इसको माइनस कर दोगे इसमें से, ठीक है 1088 में से माइनस कर दोगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो इतनी बार अरेंज हो सकता है, इतनी बार आई एक साथ आ सकता है, तो माइनस कर देंगे तो जो रेस्ट ऑफ पार्ट है उसमें आई एक साथ नहीं आएगा। अब चलिए बच्चे कुछ बेसिक से मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपका परमुटेशन का, इतना काफ़ी है आपके प्रोबेबिलिटी के लिए। इफ़ अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ स्पेड, सिंपल सी बात है, क्लियर है, एक कार्ड ले रहे हैं ना, तो यहाँ तो सिंपल है कि भैया एक कार्ड ले रहे हैं तो आपके पास स्पेड कितने होते हैं, 13 होते हैं, 8 to 52 1/4। अब आपके सवाल दो तीन सवाल के बाद लेवल बढ़ जाएगा। अब किंग कितने होते हैं बच्चे, 4 होते हैं, 8 to 52 1/30। अब किंग ऑफ स्पेड, स्पेड के अंदर किंग कितने होते हैं, एक ही किंग होगा। क्लियर है बच्चे? जो कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहे मैंने आपको, देखो ये प्रायोरिटी आपको विद्यार्थी बनाए नहीं बनाए जुवारी जरूर बना देगा। कितने क्वेश्चन आप करवाएं बेसिक्स को पक्का करने के लिए, स्पीड कितने होते हैं, 13 होते हैं ना, क्लब क्लब बताया था ना आपको, ये तो रिपीट कर दिया, ये कह रहे हो आप डॉटर को, वही क्वेश्चन है बच्चे कि डॉटर को कितनी बार ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, तो डॉटर है मेरे पास में डी ए, डॉटर है सारे वॉवल्स एक साथ आ जाए, तो वॉवल्स कितने हैं मेरे पास में, ए यू ई, तीन वॉवल्स है, बाई गिनो इन सबको एक यूनिट माने हुए, 1 2 3 4 5 और इन सबको एक यूनिट, तो 6 फैक्टोरियल हुआ, और जो ये तीन आपके वोवल्स हैं ए यू एंड ई, ये भी आपस में रीअरेंज हो सकती हैं, तो 3 फैक्टोरियल ये हुआ। क्लियर है बच्चे? तो ये इतने तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो।
आप कह रहे हैं कि ऑल वोवल्स डू नॉट टुगेदर, तो पहले तो देखो कुल इसके बनते कितने हैं, टोटल बनते कितने हैं, आपके लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल, इतने वेज हैं जिसमें वोवल्स एक साथ आ जाए, वो इतने वेज हैं, माइनस कर दो, रेस्ट ऑफ पार्ट में वोवल्स एक साथ नहीं आएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर वही बताया था आपको। चलिए तो कार्ड 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आ जाए, अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आने लग जाएंगे, फिर थ्योरम आने लग जाएंगे आपके। 2 unbiased dice are thrown, तो टोटल टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, डाइस है ना, 6 × 6 = 36, ऑलरेडी कर चुके हम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 10, दोनों डाइस पे, तो एक 10 कैसा सकता है, 4 to greater than 10 कह रहा है, तो 1 to 6 भी जाता है तो नहीं आता है, 1 1 2 1 2 3 1 2 6 तक भी, 2 पे अगर लेते हैं 2 1 2 2 2 2, तो 2 पे मैक्सिमम 6 8 ही बनता है, 3 पे भी मैक्सिमम 6 लेके चले तो 9 ही बनता, तो नहीं आता, 4 पे लेके चलते हैं तो 6 10, नहीं 5 से बनेगा, एक तो 5 and 6, नेक्स्ट में 6 and 5 and 6 and 6, क्लियर है बच्चे, ये 3 वेज हैं जिसमें कि मोर देन आपका 10 आएगा, और ये 3 वेज हैं तो आपके पास पे टोटल, आपके पास में फेवरेबल आउटकम्स कितना है, टोटल फेवरेबल नहीं है, टोटल आउटकम अब आएगा ना, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितना है आपके बच्चे, फेवरेबल आउटकम्स में 3 है और आउट ऑफ 36, तो 1/12 इसका आंसर है।